हेलो दोस्तों, मैं रक्षित तेवतिया जस्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास एक वीडियो की, एक प्रॉब्लम बोल सकते हो आप उसको, क्योंकि मैंने कई सारी एक वीडियो बनाई है, पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूं मैं गायनेकोमास्टिया और आपके चेस्ट फैट के ऊपर, बट उसमें फिर भी दिक्कतें आती रहती हैं, कोई अलग से क्वेश्चन आता है तो मैं कोशिश करता हूं उसको पूरा सॉल्व करने का, और ज़्यादा बड़ी होती है तो मैं उसको वीडियो में लेके आ जाता हूं। तो आज ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरे हिसाब से, और आई थिंक आपके लिए हिसाब से है, तभी आप लोग पूछ रहे हो। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि गायनेकोमास्टिया आपके मेडिकल्स में दिक्कत करता है या नहीं करता। मेडिकल्स मतलब बहुत से लोग जो होते हैं वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, रैली होती है आर्मी में, वहाँ से जाना चाहते हैं। बहुत से लोग मेरी तरह एसएसबी की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आप जाते हो, मेडिकल्स होते हैं, मेडिकल में वो दिक्कत करेगा। पुलिस में मेडिकल होता है, किसी भी फिजिकल यूनिफॉर्म आप जॉब में जाओगे तो वहाँ पे आपका मेडिकल मैंडेटरी होता है और वो एक ठीक ठाक लेवल का होता है। तो वहाँ पे आपको गायनेकोमास्टिया प्रॉब्लम करेगा या नहीं करेगा, इस वीडियो के आखिरी तक आप वो बात जान जाओगे और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, इम्पॉर्टेंट तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि बात करें हैं गायनेकोमास्टिया की, तो गायनेकोमास्टिया किस वजह से होता है वो मैं आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है कैसे होता है तो यहां पे एक वीडियो है, उसको वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियोस के लिंक आपको दिए हुए हैं, वो जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आप चेस्ट फैट या गायनेकोमास्टिया किसी में भी आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है, यहां पे मैं वीडियो लिंक कर दूंगा, वो वीडियो आप सारी देख लीजिएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आई बैट। ठीक है, अगर ना हो तो मैं हूँ, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आ जाइएगा। तो बात करते हैं कि आप लोग आर्मी का फिजिकल जो होता है, आर्मी का मेडिकल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो अगर हम उसकी बात कर लें तो लगभग सारे मेडिकल आपके निकल जाएंगे। अगर हम एयरफोर्स में आपके पायलट का मेडिकल छोड़ दें तो लगभग सबका मेडिकल नॉर्मल होता है, पायलट का एक बहुत टॉप नॉच का होता है। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो बात करते हैं आर्मी के मेडिकल की। तो मैंने आर्मी के मेडिकल का पूरा एक इन्फॉर्म सोर्स से एक बार पता लगाया कि भाई गायनेकोमास्टिया का क्या ड्रामा है, कि हम लोगों को किसी को भी गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम है तो क्या हम मेडिकल पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर जाके मैंने देखा कि गायनेकोमास्टिया भी दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगल साइडेड गायनेकोमास्टिया, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि एक साइड में आपका चेस्ट फैट या गायनेकोमास्टिया होता है, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि गायनेकोमास्टिया को अलग से मेज़र किया जाता है, गायनेकोमास्टिया की जो प्रॉब्लम होती है उसको आपके मेडिकल्स में अलग से तवज्जो दी जाती है कि हाँ उसका चेकअप होता है। बहुत से तो होते हैं कि आपका देख लिया कि भाई दिख गया दूर से तो हो गया, ठीक है भाई है तो है, नहीं तो चल निकलने दो, बट उसका अलग से चेकअप होता है कि आपको प्रॉपर गायनेकोमास्टिया है या नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि गायनेकोमास्टिया आपका जो दिक्कत होती है वो होती है आपके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। आपका एस्ट्रोजन जब बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन से ऊपर नीचे हो जाता है, जो उनका रेशियो होना चाहिए उससे वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो आपको ये दिक्कत होती है। तो अगर मतलब आपको ये दिक्कत है तो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस है, और हार्मोन इम्बैलेंस कोई छोटी चीज़ नहीं होती। तो वहाँ पे आपको फोर्स में जाने में दिक्कत हो सकती है, और आई थिंक होगी ही। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको गायनेकोमास्टिया है सिंगल या डबल वो बाद में देखेंगे, पर अगर आपको पहले कुछ डाउट हो रहा है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप हो पाए तो डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना, अगर आपको लगता है, मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पे बताया हुआ कि कैसे पता लगाएं कि गायनेकोमास्टिया है या आपका चेस्ट फैट है। और अगर आपको लगता है कि ये गायनेकोमास्टिया है तो जाके एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, उसका अगर वो गायनेकोमास्टिया है तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज करवा लो, क्योंकि मेडिकल्स में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था आपको कि कई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हैं कि ये दिक्कत है, तो उनकी मैंने आपको पूरी वीडियो लिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बट मेन था इस वीडियो का पर्पज़ ये कि अगर आपको है तो भाई मेडिकल्स में पुलिस हो, कोई भी हो, आपका आर्मी हो, दिक्कत आ सकती है, तो जितना जल्दी वो प्रॉब्लम आप सही कर लोगे उतना जल्दी उतना बढ़िया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं 100% आपका आंसर करूँगा।
और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये भी किसी की हेल्प कर सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लोगों की हेल्प करने वाली है आई बेट। तो अगर आपको लगता है किसी की करेगी तो शेयर ज़रूर कर देना, आपकी भाई की वीडियो क्या दिक्कत है शेयर करने में। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बातचीत करेंगे वहाँ पे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझे डीएम कर देना, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अभी दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से आती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कीप सपोर्टिंग, सदा फिट रहो, जय हिंद।